शोक संदेश 1888 की एक सुबह अखबार पढ़ते समय एक व्यक्ति एक शोक संदेश पढ़कर हैरान हो गया। वो शोक संदेश उसकी अपनी मृत्यु के बारे में था। शोक संदेश में उसका नाम लिखा हुआ था और उसको मृत घोषित कर दिया गया था। वो व्यक्ति चकित होने के साथ ही बहुत भयभीत हो गया। वास्तव में उसके मृत भाई की मृत्यु की खबर छपनी थी, पर गलती से उसकी मृत्यु की खबर छप गई थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने आप को नियंत्रित किया और उसने घर से बाहर जाकर लोगों की प्रतिक्रिया जानने का निर्णय लिया। उसने समाचार पत्र में पढ़ा और पाया कि खबरों में उसको मौत का व्यापारी कहकर संबोधित किया गया था। समाचार पत्रों में लिखा था कि मौत के व्यापारी की मृत्यु हो गई थी। उसको बहुत दुख हुआ क्योंकि उसको मौत का व्यापारी कहकर संबोधित किया गया था। बस उसी दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। उसी दिन से उसने जन कल्याण के काम करने शुरू कर दिए। उसने अपनी कमाई हुई करोड़ों की संपत्ति से एक संस्था बनाई और मरने से पहले अपनी सभी धन संपदा उस संस्था को दान दे दी। उसकी मृत्यु के बाद वो संस्था समाज कल्याण, विज्ञान, साहित्य, शिक्षा इत्यादि में महान काम करने वाले व्यक्तियों को विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार देने लगी। मित्रों, मरने से पहले अपनी पूरी संपत्ति दान में देने वाले उस महान व्यक्ति का नाम अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल था। उन्हीं के नाम पर हर वर्ष नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। आज कोई उन्हें मौत के व्यापारी के रूप में नहीं याद करता, बल्कि हम उन्हें एक महान वैज्ञानिक और समाज सेवी के रूप में याद किया करते हैं। जीवन एक क्षण भी हमारे मूल्य और जीवन की दिशा को बदल सकता है। यह हमें सोचना है कि हम यहाँ क्या करना चाहते हैं, हम किस तरह याद किए जाना चाहते हैं और हम आज क्या करते हैं, यही निश्चित करेगा कि कल हमें लोग कैसे याद करेंगे। हमेशा प्रयास करते रहिए कि जाने से पहले आप भी इस दुनिया को थोड़ा और सुंदर छोड़कर जाएं और लोग आपको अच्छे व्यक्ति के रूप में याद रखें। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।